Chapter 3 Civics How the State Government Work Last year we discussed the fact that government works at three levels, local, state and national, and look at the work of local government in some detail. In this chapter, we examine the work of the government at the state level. How does this take place in a democracy? What is the role of a member of the Legislative Assembly, means MLA, and ministers? How do people express their views or demand action from government? Civics ka ye chapter 3 hai, how the state government work? State government kaise kaam kar rahi hai? Ye hum logon ne already ye chapter last year bhi discuss kar liya tha ki government 3 state pe kaam karti hai, 3 level pe. एक है लोकल, स्टेट एंड नेशनल. इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है और जो एमएलए हमारे यहाँ का होता है उसका क्या फंक्शन है, क्या वर्क होता है उसके बारे में. हुज रेस्पॉन्सिबिलिटी? हे लुक एट दिस, इट से दैट देयर इज अ वाटर शॉर्टेज इन आवर स्टेट एंड पीपल आर फॉलिंग सिक. दो बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमारे स्टेट में पानी की कमी हो गई है और उस वजह से कुछ लोग बीमार हो गए हैं. नेक्स्ट, इन मैनी विलेज पीपल वर फाउंड टू बी ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर, स्ट्रीम हैव ड्राइड अप एंड सो हैव टैंक्स. इन द वर्स्ट अफेक्टेड एरिया विलेजर्स हैव बीन कैरिंग वाटर अक्रॉस ग्रेट डिस्टेंस. बहुत सारे गाँव में पीने का पानी अनक्लीन है, साफ नहीं है, स्ट्रीम सारी सूख गई है और बहुत दूर से उन्हें अपने लिए पानी लेकर आना पड़ता है. पीपल एट द डिस्ट्रिक्ट HQ हेडक्वार्टर पाटलापुरम रिसीव वाटर सप्लाई वंस इन 3 days. द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हियर इज ओवरफ्लोइंग विथ पेशेंट, अ लार्ज नंबर ऑफ हुम आर चिल्ड्रन विथ एक्यूट डायरिया. पीपल पाटलीपुरम के पानी की सप्लाई नहीं है, वहाँ पर हेडक्वार्टर में से मतलब 3 दिनों से उनके यहाँ पर पानी आता है और हॉस्पिटल जो उनके डिस्ट्रिक्ट की है वो पूरी भर गई है पेशेंट से, मरीजों से, और उनमें सबसे ज़्यादा है डायरिया और बच्चे हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बीमार हो गए हैं, ज़्यादा डायरिया से इफेक्टेड हैं बच्चे. ऑन द टीवी न्यूज़ दे सेड 10 people have died from diarrhea. Is that possible? Can one really die from it? Who's know? Just hope. I don't get it. TV में कहता है कि only 10 ही लोग डायरिया की वजह से मर गए हैं. क्या ये सच है? क्या इतने में सिर्फ एक ही आदमी होता है ऐसे कि जो मर जाए? My mother said not to have any ice drinking from the market. She gave one of her Lecture this morning, you have to be responsible for your health, she said. मेरी मम्मी ने कहा बाजार का कुछ भी बर्फ के सामान नहीं खाना, पानी नहीं पीना है, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अपना शरीर का ध्यान रखो. Stop. This road is blocked due to the rally. Reared the MLA residents. Really? Why? Has he done something? Haha. They seems more angry about what he has not done. And we demanded that the authorities take immediate action to bring the public health situation under control. Our MLA must take the responsibility for this. What a loud voice he has. He must be a leader or something. I saw him on TV too. He is a member of opposition. ये हमारी डिमांड है. कुछ व्यक्ति कह रहे थे कि ये हमारी डिमांड है कि इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए MLA साहब को हेल्थ के बारे में.
दोनों बच्चे कह रहे हैं कि ये जो इतनी तेजी से बोल रहा है, आवाज़ जोड़ करके बोल रहा है, ये कौन है? तभी दूसरी सहेली ने कहा कि ये हम मैंने टीवी में देखा था इनको, ये अपोजिशन पार्टी के मेंबर है। हु इज MLA? इन द अबव सेक्शन यू हैव रीड अबाउट सम इवेंट्स इन पाटलीपुरम। यू मे बी फेमिलियर विद सम ऑफिशियल नेम्स सच एज कलेक्टर, मेडिकल ऑफिसर एक्सेट्रा, बट हैव यू हियर ऑफ एन MLA एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली? डू यू नो द MLA ऑफ योर एरिया? कैन यू आइडेंटिफाई विच पार्टी सी और ही बिलोंग्स टू? हम ऊपर के सेक्शन में जो भी पढ़े हैं उसमें बहुत सारे चीज़ों से हम वाकिफ हैं, जैसे कि मेडिकल ऑफिसर, डॉक्टर वगैरह। क्या हमने कभी MLA का नाम सुना है? क्या आप लोगों को पता है हमारी एरिया के MLA कौन है, उनका क्या फंक्शन होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLAs आर इलेक्टेड बाय द पीपल, देन दे कम बिकम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड ऑल्सो फॉर्म गवर्नमेंट। इन दिस वे वी से दैट द MLAs रिप्रेजेंट पीपल। द एग्जाम्पल बिलो विल हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस बेटर। इन Every state in India has a legislative assembly. Each state is divided into different areas or constituencies. For example, look at the map below. It shows that state of Himachal Pradesh is divided into 68 assembly constituency. From each constituency, the people elect one representative who then become a member of legislative assembly, MLA. You would have noticed that people stand for election in the name of different parties. These MLAs therefore belongs to different political parties. हर स्टेट में इंडिया के एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और स्टेट डिवाइडेड होता है हर एक कंस्टिट्यूएंसी में। जैसे एग्जाम्पल में दिया है कि हिमाचल प्रदेश डिवाइडेड है 68 असेंबली। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो हर एक एरिया से, हर एक असेंबली से एक एक व्यक्ति को जो रिप्रेजेंट करेगा उसे खड़ा किया जाता है, जिसे हम हमारा MLA कहते हैं। हाउ डू पीपल हु आर MLA बिकम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर? अ पॉलिटिकल पार्टी हुज MLA हैव वन मोर देन द अदर नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंसी इन द स्टेट, स्टेट कैन बी सेड दैट टू बी अ मेजॉरिटी। The political party that has a majority is called the ruling party and all the other members are called opposition. MLA become minister or chief minister? MLA क्या होता है, minister है या chief minister? एक political party जिसका MLA जो कि खड़ा होता है वोट के लिए, जैसे हम कहते हैं, तो जिसको ज़्यादा majority मिलती है, जिसे ज़्यादा वोट मिलता है, उसे क्या होता है, और जो उसके अपोजिट पार्टी में खड़े होते हैं उसे हम क्या कह सकते हैं, अपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज 68 MLA कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसीलिए हिमाचल प्रदेश में 68 MLA है। क्यों? क्योंकि वहां पर 68 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, असेंबली ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी है। Candidate from various political parties won the 2017 assembly election and become MLAs. Since the total number of MLA in the legislative assembly is 68, a political party would have needed to have more than 34 MLAs in order to gain a majority. Candidate various अलग-अलग political parties से 2017 में election हुआ था, तब वहाँ पे बहुत सारे लोग MLA बने थे, मतलब 68 MLA बने थे, लेकिन उन्हें कितने वोट की मेजोरिटी की जरूरत है, 34 MLA इन ऑर्डर टू गेन अ मेजोरिटी। द भारतीय जनता पार्टी जिसे हम BJP के नाम से जानते हैं विथ 44 MLAs हैड द मेजोरिटी एंड इट बिकम्स द रूलिंग पार्टी। वहां पे 44 MLA बने भारतीय जनता पार्टी के, तो इसलिए वहाँ पर उसकी मेजॉरिटी है, BJP की मेजॉरिटी है, इसीलिए वो वहाँ की रूलिंग पार्टी है। हम बात कर रहे हैं, हाँ, उसके बाद
ऑल द MLAs बिकम अपोजिशन इन दिस केस द इंडियन नेशनल कांग्रेस INC वॉज द मेजर अपोजिशन पार्टी, और इस तरह से इसकी अपोजिशन पार्टी में हो गई इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे हम लोग कांग्रेस पार्टी भी कहते हैं, सिंस इट हैज़ अ लार्जेस्ट नंबर ऑफ MLAs आफ्टर द BJP। इसी पार्टी में सबसे ज़्यादा है, कांग्रेस की पार्टी में ही MLAs ज़्यादा है BJP को छोड़ के, मीन्स सेकेंड पार्टी है वो ये वहाँ की। एमंग द अपोजिशन वेयर द पार्टीज इंक्लूड दोज हु हैव हैड बीन इलेक्टेड एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। After the election, MLAs belongs to the ruling party will elect their leader who will become the chief minister. In this case, the BJP MLAs whose Shri Jairam Thakur as their leader and he became the chief minister. The chief minister then select other people as minister. After the election, it is the governor of a state who appoints the chief minister and other ministers. इलेक्शन ख़त्म होने के बाद MLA बिलोंग्स टू द रूलिंग पार्टी, मतलब BJP के जितने भी लीडर्स थे वो उसके अंदर, अब उसमें से जो ज़्यादा लीडर होता है, जो ज़्यादा वर्क करने के लिए होता है, उसे वहाँ का चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है, जो कि श्री जयराम ठाकुर है। चीफ मिनिस्टर सिलेक्ट अदर पीपल एंड मिनिस्टर, अब चीफ मिनिस्टर का काम होता है अदर मिनिस्टर को सिलेक्ट करना, अपने स्टेट के कौन किस ड्यूटीज़ पे रहेगा, कौन किस पोजीशन पे रहेगा, ये सब काम वहाँ के चीफ मिनिस्टर का होता है। द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर हैव द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्रीज, दे हैव सेपरेट ऑफिसेज, अ लेजिस्लेटिव असेंबली इज अ प्लेस वेयर ऑल द MLAs वेदर फ्रॉम द रूलिंग पार्टी और फ्रॉम द अपोजिशन मीट टू डिस्कस वेरियस थिंग। Hence, some MLAs have dual responsibility, one as an MLA and the other as a minister. The chief minister and other minister have responsibility to running various government department or ministries. Chief ministers का और जो उसने other ministers नियुक्त किए हैं उनका काम होता है कि वो कैसे department, government department उनका चले उस पर ध्यान दे, और अलग अलग ऑफिसेज का ध्यान दे, कौन कहाँ पे नियुक्त हुआ है उसका ध्यान दे। डिबेट इन अ लेजिस्लेटिव असेंबली, अ फ्रेंड सुजाता एंड मैनी अदर स्टूडेंट फ्रॉम देयर स्कूल ट्रेवल टू द स्टेट कैपिटल टू विजिट द लेजिस्लेटिव असेंबली विच वॉज हाउस्ड इन एन इम्प्रेसिव बिल्डिंग। अ फ्रेंड सुजाता और अदर स्टूडेंट ट्रेवल करते हैं स्टेट कैपिटल, जो वहाँ की कैपिटल है, राजधानी है, उसके असेंबली मेंबर्स जिनका घर बहुत सुंदर। द चिल्ड्रन वर एक्साइटेड आफ्टर सिक्योरिटी चेक, दे वर टेकन अपस्टेयर, देयर वॉज अ गैलरी फ्रॉम वेयर दे कुड सी द लार्ज हॉल बिलो, देयर वर रोज एंड रोज ऑफ डेस्क, दिस असेंबली वॉज गोइंग टू हैव अ डिबेट ऑन अ current problem. During this time MLA can express their opinion and ask question related to the issue or give suggestion about what should be done by the government. Those who wish to can respond to this. The minister then replies to the question and tries to assure the assembly that adequate steps are being taken. Assembly जो है वहाँ पर उन्होंने देखा कि बहुत सारी डेस्क रो लगी हुई है, वहाँ पर असेंबली में जितने भी मेंबर्स बैठे रहते हैं उनका काम होता है डिबेट करना, और उस समय में करंट प्रॉब्लम पर बात की जाती है, सारे मेंबर्स वहाँ पर बैठ जाते हैं, अपना अपना ओपिनियन देते हैं, जो भी क्वेश्चन रखा जाता है वहाँ पर वह सभी अपना अपना व्यू देते हैं, और जिसका आंसर सबसे अच्छा लगता है कि जिसका आंसर एकदम लगता है कि यही राइट है, उस पर ही वो सब ध्यान देते हैं। द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर हैव टू टेक डिसीजन एंड रन द गवर्नमेंट, वी यूजुअली हियर अबाउट देम और सी देम इन अ न्यूज़ चैनल और इन द पेपर, हाउएवर वट एवर डिसीजन आर बींग टेकन हैव टू बी अप्रूव्ड बाई द मेम्बर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। In the democracy, this member can ask question, debate and important issues decided
वर मनी शुड बी स्पेंट एक्सेट्रा दे हैव मेन अथॉरिटी। चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर वहां पर बैठे होते हैं डिसीजन लेने के लिए कि अपनी गवर्नमेंट को कैसे चलाया जाए। वी यूजुअली हियर अबाउट, ये सब हम लोग न्यूज चैनल में न्यूज़पेपर में डेली पढ़ते भी रहते हैं कि ये हाउएवर वो कैसे डिसीजन ले रही हैं बिंग और उसको कैसे वो अप्रूव कराएंगे डिसीजन को अपने, अप्रूव बाय द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो जो भी उन्होंने निर्धारित किया है कि हम ये काम करेंगे हमारे स्टेट के लिए एरिया के लिए, तो वो कैसे करेंगे, उसको कहाँ तक लेकर जाएंगे और वो क्या क्या क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, ये सभी हम लोग न्यूज़पेपर में, और न्यूज़पेपर में भी आता है और टीवी में भी हम लोग देखते हैं।